गुड मॉर्निंग क्लास थ्री, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लासेस। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेवंथ एक्सरसाइज। सो नाउ लेट स्टार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। इधर कुकड फूड हमें दिए हुए हैं एंड मेथड्स ऑफ कुकिंग हमें इधर दिए हुए हैं। तो इनको आपस में सही कुकड फूड को सही मेथड से क्या करना है, सही फूड को सही मेथड से मैच करना है, ठीक है। सो इधर हमें फर्स्ट दिया हुआ है, तो ये जो ढोकला में दिया हुआ है ये स्टीम में कुक होता है, तो हमने इसको स्टीम से मिला दिया। सेकंड हमें दिया हुआ है बॉईल किया हुआ, यानी आप राइस मान लीजिए, तो इधर हमने इसको बॉइलिंग से ऐड मैच कर दिया। थ्री हमें दिया हुआ है पूरियाँ जो होती हैं वो फ्राई करके बनाई जाती हैं, तो इसके इसको हमने बी से मिला दिया, फ्राइंग से, ठीक है। एंड फोर्थ हमें दिए हुए हैं जो रोस्टिंग होते हैं वो फूड, ठीक है, जिनको रोस्ट करके पकाया जाता है, रोस्ट करके कुक किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 40। सो इधर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट फिलअप हमें दिया हुआ है वी कैन ईट फूड रो एंड कुक्ड। सेकेंड फिलअप हमें दिया हुआ है डिफरेंट वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग आर कॉल्ड यूटेंसिल्स। थर्ड हमें दिया हुआ है कोल एंड वूल आर यूज्ड टू लाइट एंड चूल्हास। फोर्थ है यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम स्टील मटेरियल्स। फिफ्थ इज पॉट्स एंड पैंस आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। सिक्स्थ इज कुकिंग मेक्स फूड ईजली डाइजेस्टिबल एंड टेस्टी। नाउ कम टू द क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी हमें दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वी कैन ईट रो एंड कुक्ड, तो फूड आएगा यहाँ पर। सेकेंड है हाउ डिड अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इज अनकुक्ड। क्वेश्चन थ्री है हमारा फूड इज ईटन इन टू वेज रो एंड कुक फूड, ठीक है। फोर्थ इज कोल एंड वुड आर यूज टू लाइट, ठीक है, कोल एंड वुड आर यूज टू लाइट चूल्हास। फिफ्थ हमें दिया हुआ है इनफैक्ट द ओवंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलिए नाउ कम टू द पेज नंबर 41। 41 पर हमें क्वेश्चन सिक्स दिया हुआ है किस डिजीज कैरिंग जम्स, ठीक है, जो कुकिंग है वो जम्स को ख़त्म करती है। क्वेश्चन डी हमें दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ डू ओवंस ऑपरेट। आंसर इज ओवंस ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड है व्हाई डू वी नीड टू कुक सम फूड्स। कुकिंग मेक्स फूड ईजली डाइजेस्टिबल एंड टेस्टी। क्वेश्चन थर्ड इज वी शुड नॉट ओवर कुक फूड। सो आंसर इज पेज नंबर 39 पर आइए। तो देखिए, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, वी शुड नॉट ओवर कुक द फूड एज मैनी न्यूट्रिएंट्स गेट डिस्ट्रॉय। तो ये हमारा क्वेश्चन थ्री का आंसर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर इज वी शुड अवॉइड ओवर कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स, वाई। सो नाउ कम टू द पेज नंबर 36, ठीक है, 36 पेज पर आइए। और यहाँ पर आपको जैसा वीडियो में दिख रहा है क्वेश्चन फोर्थ का आंसर, वी शुड नॉट ओवर कुक फूड एज इट डिस्ट्रॉयड द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड टेस्ट ऑफ फूड। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द अगेन क्वेश्चन फिफ्थ जो है वो हमें दिया हुआ है व्हाट विल हैपन If you wash vegetable after cutting them, ठीक है, क्या होगा अगर हम काटने के बाद सब्जियाँ धोएं? If we wash vegetables after cutting them, so that minerals and vitamins are washed away. Now,
कम टू द क्वेश्चन ई. क्वेश्चन ई इज, क्वेश्चन ई हमें दिया हुआ है फर्स्ट स्टीमिंग. क्वेश्चन ई है एक्सप्लेन फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कुकिंग इन वन सेंटेंस. सो फर्स्ट इज स्टीमिंग. स्टीमिंग में हम लिखेंगे कुक्ड फूड इन वाटर वेपर. सेकंड बॉइलिंग. बॉइलिंग में लिखना है कवरिंग द फूड विद सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड हीट. थर्ड फ्राइंग में लिखना है कुकिंग द फूड इन हॉट ऑयल. एंड फोर्थ इज रोस्टिंग में लिखना है कुकिंग फूड डायरेक्टली ऑन हॉट फायर. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अपना जो सेवन्थ चैप्टर की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तो ये जो वर्क है इसको आपको आपकी EVS की नोटबुक में नीट एंड क्लीन इसका वर्क करना है. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ.